डबल वोटिंग के लिए आप मांग रखेंगे? देखिए अभी मैंने वही कहा, कॉम्युनल अवार्ड में ये सिस्टम था, सेपरेट इलेक्ट्रेट और डबल वोटिंग। लेकिन आप ये मांग किससे करने वाले हो? उस समय रामसे मैकडोनल्ड थे, ब्रिटिश थे, तो हम लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये लड़ झगड़ के ये मांग, बाबा साहब ने ये सारे अधिकार प्राप्त किए थे। लेकिन आज जो लोग सत्ता में हैं वो तो हमको हमारे बेसिक वोटिंग राइट्स है, आप डुअल वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हो, वो तो हमारा सिंगल वोट राइट भी हमको देना नहीं चाह रहे। ईवीएम मशीन बनाकर उन्होंने हमारे वोट्स को उन्होंने पूरी तरह से नल एंड वॉइड कर दिया है, क्योंकि आज कहीं पर भी बैठकर वो ईवीएम को मैनेज करके वो वोट्स ऊपर नीचे कर रहे हैं। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ सबूत है। जैसे अभी कर्नाटक की इलेक्शंस हुई है, जिस दिन वोट पड़ता है शाम के 6 बजे तक कलेक्टर को एक लेटर पब्लिश करना होता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सर्टन परसेंटेज ऑफ वोट्स हुए हैं, कास्ट हुए हैं, डले हुए हैं। महाराष्ट्र में एक कॉन्स्टिट्यूंसी के कलेक्टर ने लेटर निकाल के कहा कि हमारे यहाँ पर 58% लोगों ने वोट राइट्स अपना इस्तेमाल किया है, 58% वोट हुए हैं। और जब काउंटिंग हुई तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटिंग परसेंटेज ये 70% पे थे। दोनों भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जिस दिन कलेक्टर ने साइन किया वो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, और जिस दिन वोट काउंट हुआ वो भी डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट के ही डॉक्यूमेंट आपस में मैच नहीं हो रहे, तो इन्होंने हमारा जो वोट राइट है, सिंगल वोट राइट है, वही चुरा लिया है। तो ये क्या हमको डबल वोट राइट्स देंगे? जैसे आज ग्रेजुएट एंड टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे यहाँ होती है, सबके यहाँ होती है, आपके यहाँ पर भी है, वहां पर डुअल वोटिंग राइट्स है। वो लोग जनरल असेंबली में भी वोट करते हैं और वो अपने टीचर्स एंड ग्रेजुएट असेंबली के लिए भी वोट करते हैं। टीचर्स और ग्रेजुएट असेंबली के लिए उनकी अलग से इलेक्ट्रोल होती है। जो लोग ग्रेजुएट है, जो लोग टीचर्स है, वो अपना नाम उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एज अ वोटर वो रजिस्टर करवाते हैं। अगर टीचर्स एंड ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए सिर्फ शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट इशू करने पर उसका एक अलग से वोटर लिस्ट क्यों नहीं बन सकता? तो एससी का वोटर सिर्फ एससी के ही कैंडिडेट को चुने, कैंडिडेट को चुनता है, और वो एससी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हिंदुओं का एजेंट एससी के सीट पर चुनता है। बीजेपी जो एंटी रिजर्वेशन है, जो ये कहती है कि हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे, तो बीजेपी को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करके एक भी एससी रिजर्व सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए। एससी अगर रिजर्वेशन से आपको नफरत है, तो वोटिंग पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में, आप एससी के सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट क्यों उतारते हो? मैक्सिमम एससी के रिजर्व सीट्स पर 2014 हो, 2019 हो, एससी के सीट पर बीजेपी के एमपी चुनकर आए हुए हैं। तो बताओ क्या बीजेपी एससी की पार्टी है? सर, भविष्य में आप आपने बोला कि गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अडानी जी, अंबानी जी, एंड कॉमन मैन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ये अडानी जी अंबानी जी की जो बिजनेसेस है ना, दे आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड दे आर प्रोवाइडिंग लैक्स ऑफ जॉब्स टू इंडियंस। तो आपको नहीं लगता कि इन अ वे दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग इंडिया? देखिए मैं वही तो कह रहा हूं, अगर या यही काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया होता, तो वहां पर पूरे पॉपुलेशन वाइज सीट्स का रिजर्व उन लोगों का कोटा होता। एससी के इतने सीट्स लेने हैं, ओबीसी के इतने सीट्स लेने हैं, एसटी के इतने सीट्स लेने हैं, एनटी के इतने सीट्स लेने हैं, ताकि वो कम्युनिटी जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है वो भी ग्रो करें। अब ये काम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को करना चाहिए, अब वो काम अडानी कर रहा है। हम जितने भी एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, अब वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टाफ नहीं है, वहां पर अडानी का स्टाफ है, और वहां से रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म हो गई है। हम अडानी का विरोध नहीं कर रहे। अगर इस देश का कोई एक छोटा सा भी बिजनेसमैन बड़ा हो रहा है तो हमें तो आनंद है, लेकिन वो इनके माध्यम से हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं।